नमस्कार दोस्तों, एक्ट फन के एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज हम बात करने वाले हैं एक और नई वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम रखा गया तुम्हारा गिफ्ट। अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो पिंक फ्लिक्स जो नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है वहां पर जाके आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। आपको मुख्य स्टार कास्ट में इस वेब सीरीज में रजिए खान जो है आपको इस वेब सीरीज में आशा की भूमिका में नजर आने वाली है, और इसके अलावा अभय मिश्रा जो रमन की भूमिका में, और इसके अलावा आपको जानवी काले जो एक्ट्रेस है ज्योति की भूमिका में नजर आने वाली है, और एक अन्य स्टार कास्ट जो इस वेब सीरीज नजर आने वाली है जिनका नाम इनकी ऋषभ शर्मा जो कि मनोहर की भूमिका में आपको नजर आने वाले जो कि काफ़ी छोटी भूमिका में इस वेब सीरीज में नजर आएंगे। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज की कहानी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है आशा नाम की लड़की से जिसकी दूसरी शादी हुई होती है और कम उम्र में उसका पति मर जाता है, और दूसरी तरफ उसकी बहू जिसका नाम ज्योति होता है और उसके लड़के का नाम रमन जो कि उनके इनकी सौतेले बहू बेटे होते हैं। अब आशा ज्योति जिस व्यक्ति के साथ शादी करती है वो व्यक्ति तो मर जाता है, और आशा को अपने एक दोस्त का फ़ोन आता है तो आशा उससे कहती है कि मेरी बहू जो है मेरे से काफ़ी ज़्यादा जलती है, और दूसरी तरफ जिस बुढ़े व्यक्ति से मैंने शादी की थी उसने सारी की सारी दौलत जो है मेरे नाम पर नहीं की थी क्योंकि मैं दौलत ही चाहती थी, लेकिन उसने सारी दौलत जो है अपनी बहू और बेटे के नाम पे कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रमन जो है जो कि ज्योति और साथ में आशा से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वैसे तो रमन की जो आशा होती है माँ लगती है, लेकिन दोनों एक तरह से हम उम्री होते हैं, और ज्योति ज्योति इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती है क्योंकि ज्योति को लगता है कि आशा वैसे तो माँ लेकिन उसमें माँ वाला कोई भी गुण नहीं है क्योंकि उसके फैशन काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा इनकी एक तरह से हॉट है और काफ़ी ज़्यादा जो है सेक्सी देखने में लगती है, लेकिन ज्योति इतनी ज़्यादा नहीं होती और उसको लेकर ज्योति के बीच में काफ़ी ज़्यादा चिढ़ होती है। अब ज्योति को रमन बार बार समझाने की कोशिश करता है लेकिन ज्योति नहीं समझती है और रमन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसका ड्यूटी चला जाता है। लेकिन इसके बीच में आपको ये भी देखने को मिलता है कि जैसे रमन जो होता है अपनी ड्यूटी में चला जाता है तो ज्योति ज्योति अपनी शादी के दिनों में खो जाती है कि किस तरह से उसकी शादी हुई और शादी के बाद किस तरह से उसकी जो रमन के साथ स्वागत हुई, और इसके बाद जो कहानी फिर से एक नए मोड़ में चली जाती है कि ज्योति ज्योति अपने कमरे से आ रही होती है तो देखती है कि आशा जो फ़ोन पर लगी होती है और आशा एक दूसरी तरह की फिल्म देख रही होती है और काफ़ी ज़्यादा इनकी रोमांटिक मूड में आ जाती है। अब यानी कि ज्योति ये आशा को धीरे धीरे देखती रहती है, लेकिन उसके बाद जो आशा को भी ये पता चल जाता है कि ज्योति ने मुझे देख लिया। अब आशा ज्योति ये चुपचाप रहती है और ज्योति भी अपने आप आ जाती है और आशा के साथ कुछ भी नहीं कहती है। और दूसरी तरफ जैसे ही रात होती है तो अब रमन जो ज्योति के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योति जो है होती है पहले काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूड में आ जाती है, लेकिन रमन जो है बहुत ही जल्दी थक जाता है। अब ज्योति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन दूसरी कहानी में एक नया मोड़ और भी आता है कि जैसे अब रमन जो होता है जो कि अपने नौकर मनोहर के पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी माँ और अपनी घरवाली से बहुत ज़्यादा परेशान आ रखा हूँ क्योंकि दोनों की दोनों बहुत सारी झगड़ा करती हैं। तो मनोहर कहता कि इस झगड़े का निपटारा हो जाएगा लेकिन इसके लिए थोड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब रमन जो होता है दोबारा फिर से ड्यूटी चला जाता है। अब मनोहर जो होता है पीछे से आता है और सबसे पहले वो आशा के कमरे में जाता है और उसके साथ जो छेड़खानी करने की कोशिश करता है क्योंकि मनोहर को पता होता है कि उसके यानी कि पहले का जो मालिक होता है जिसके साथ आशा की शादी हो चुकी होती है वो तो मर चुका है और आशा को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आशा तो पहले मना करती है, लेकिन जैसे मनोहर उसके पास जाता है इंटीमेट होता है तो आशा काफ़ी खुश हो जाती है और उसके मनोहर जो होता है आशा कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है और इसीलिए इस वेब सीरीज का नाम भी गिफ्ट रखा गया है, और मनोहर कहता है कि गिफ्ट तुम्हारी बहू ने इनकी ज्योति ने भेजा है। तो आशा काफ़ी ज़्यादा चकरा जाती है, लेकिन बाद में आशा को जब मज़ा आता है तो आशा कुछ भी नहीं कहती। अब मनोहर जो होता है वहाँ से सारे मज़े करने के बाद जो अब ज्योति के कमरे के पास चला जाता है और ज्योति के पास भी कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है और तुम्हारा गिफ्ट जो तुम्हारी सास ने इनकी आशा ने भेजा है। अब ज्योति को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन ज्योति को भी इनकी वो सब कुछ चाहिए होता है क्योंकि रमन जो होता है उसकी पूरी की पूरी ख्वाहिशें नहीं कर पाता है। तो अब उसके बाद जो होता है मनोहर जो होता है ज्योति के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट होता है, और इस तरह से आपको ये भी देखने को मिलने वाला था कि इस वेब सीरीज की किस तरह एक घर का नौकर जो होता है यानी कि वो पहले इनकी सास के साथ और उसके बहू के साथ इनकी दोनों के साथ मज़े करता है और उन दोनों को काफ़ी खुश कर देता है। अब दूसरी तरफ जैसे यानी कि दोबारा फिर से रमन घर आता है तो वो देखता है कि मनोहर जो होता है गाड़ी को साफ कर रहा होता है और उसकी बहू यानी कि उसकी जो पत्नी होती है और उसकी जो सास होती है काफ़ी माँ जो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो मनोहर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया, तो मनोहर कहता है मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़े से पैसे खर्च किए, अब ये दोनों हमेशा खुश ही रहेंगी। तो फिलहाल तो वेब सीरीज की स्टोरी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है, लेकिन वेब सीरीज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा एरोटिक है क्योंकि इस वेब सीरीज आपको काफ़ी वो वाले सीन भी देखने को मिलने वाले क्योंकि इस वेब सीरीज में रजिए खान ने काफ़ी खुलकर जो अंग प्रदर्शन किया है उसके अलावा जाह्नवी केले ने भी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी बड़ी इस वेब सीरीज के बारे में, आशा करते हैं आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं बहुत ही तब तक लिए दोस्तों, धन्यवाद।